हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अपन ने जो कल एक मॉक दिया था करने के लिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने भी कमेंट सेक्शन में कमेंट किए हैं। तो मैं मेरे स्कोर कार्ड को दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मतलब बताना भी चाहता हूँ। मैं पूरे मॉक में आपको ये बता दूंगा कि इतने मिनिमम मार्क्स तो आने चाहिए थे इस पेपर के अंदर। अब जिसके नहीं आए हैं वो अभी बता रहा हूँ, मेहनत और कर लो, अभी टाइम है, क्योंकि बाद में फिर हो नहीं पाएगा। तो अपन बता देता हूं मैं क्वेश्चन कौन कौन से करने वाले थे इजिली, जितने मतलब मिनिमम टू मिनिमम मार्क्स तो ये लेके आ सकता था। जो 4-5 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है वो भी, और जो 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है वो, और जो बिगनर्स है उनको तो चलो कोई बात नहीं, वो तो चाहे वो अभी स्टार्ट किया है। तो मैं भी सारे क्वेश्चन में बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले थे, ठीक है। फिर लास्ट में अपन मेरे स्कोर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट हो ही चुका है वीडियो। तो अब देखो, ये मैं एक बार पैसे ही छोड़ रहा हूँ कि चलो पैसे नहीं आता आपको, जैसे मैंने भी एक क्वेश्चन छोड़ रखा है बीच में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर अपन को सिर्फ मिस स्पेल्ड था, उसको स्पेलिंग रॉन्गली स्पेल्ड लिखा हुआ था, उसको सही करना था। तो ये चीज है, तो सबसे पहले जैसे इसमें देखो आंसर आएंगे, क्योंकि मैंने वो री अटेम्प्ट वाला नहीं कर रखा, नहीं तो आंसर नहीं आते। तो एक तो ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये जो 5 के 5 क्वेश्चन है ना, तो ये मेरे को ऐसे लगता है कि आपके यहाँ 5 में से 5 नंबर आ सकते हैं। चलो अपन मिनिमम लेते हैं 4 नंबर लेते हैं 5 में से, ठीक है। तो ये वाले सेशन से आपके 4 नंबर आ सकते हैं इंग्लिश में, यदि मिनिमम 4 नंबर तो आने ही चाहिए इनको देखते हुए। उसके बाद आती है एरर, यहां से स्टार्ट है एरर। तो चलो ये वाली एरर थी, जो नो एरर थी वो नहीं पकड़ पाते, चलो मैं मानता हूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाइन दे रखी थी। जैसे मैंने लास्ट की दो ये जो लाइन दे रखी थी उनसे मैंने पहले तो यहाँ पे देखा, क्योंकि मुझे पहले में एरर नहीं दिखा था। मैं सच बताता हूँ, मेरे को यहाँ एरर नहीं दिखा, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं दिखा, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं दिखा। यहाँ पे मुझे 80 माइल्स या 80 माइल आना चाहिए, तो ये इसमें, तो फिर मैंने ऐसे थोड़ा सोचा कि माइल्स होता है यार, अपन ने हर बार माइल्स का ही सुना है, तब मैंने यहाँ पे रिस्क लेते हुए नो एरर लगाया। पर मैंने इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट नहीं किया, उसका रीजन ये था क्योंकि पहले क्वेश्चन में सामने नो एरर दिख रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको एक बार नहीं किया। बट लास्ट में हाँ, इसको मैंने अटेम्प्ट किया, ठीक है, नो एरर के साथ में, और वो सही है। और उसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये वाला। अब इसके अंदर तो सीधा सीधा एरर आपको ढूंढने पे मिल जाती, बस बात यह है कि प्रैक्टिस चाहिए हर चीज के लिए, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होंगी। अब जैसे मैं बताता हूँ इसके अंदर एरर कौन सी एरर थी। अब जैसे देखो, बेस्ट थिंग दे रखा है, आगे हु दे रखा है। हु किसके लिए आता है, कोई पर्सन के लिए आता है, तो ये एकदम इजी एरर था, आप कोई भी कर सकते हो। तो मैं ये मानता हूँ 4 + 1 मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते थे, आप टोटल 5 नंबर इंग्लिश में अभी तक ला सकते थे। मैं मिनिमम टू मिनिमम लेके चल रहा हूँ। ये वाली एरर है, इसके अंदर भी आपको एकदम इजीली आप इस एरर को निकाल सकते थे, यहां से एरर निकलता है इसका, तो ये भी एरर कर सकते थे। चलो मैं मोटा मोटा मानूंगा, टुडे मेक्स 20 ईयर्स, इसमें एरर थी यहाँ पे, पहले टुडे मार्क्स वाले के अंदर, सॉरी, तो यहाँ पे एरर थी। तो चलो ये एक बार अपन एरर को भी छोड़ देते हैं। और देखो, ये एवरी का रूल होता है, एवरी के साथ में यहाँ पे एरर दिखी थी मेरे को कि देयर स्पोर्ट आ गया था, ठीक है। एवरी वूमन, एवरी 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 सिंगल के लिए यूज होते एक तरह से, एवरी का आने का मतलब, ठीक है। तो वहां पे एरर था, तो मैंने वहां से एरर निकाला। तो 4 और यहां से मैं ऐसे मानता हूँ, चलो आप 2 इजीली ये कर सकते थे, 6 नंबर यहाँ से आपके आ सकते थे इस मॉक के अंदर से, अभी तक जितना अपन ने देखा, ठीक है। चलो ये वाला अभी क्लोज टेस्ट है, इसको अच्छे से समझना था। उसके बाद में मेरे को इतना लगता है, जैसे अभी मैंने भी इसमें नहीं लगाया है, ये वाला क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं था, मतलब मैंने बहुत दिमाग लगाया बट मेरे से नहीं हुआ, बाकी मैंने कर रखे हैं। अब इसके बाद में जो इसके अंदर करने वाली चीज थी वो लास्ट की, ये 5 सिर्फ यहाँ पे शफल्ड करने थे और कुछ नहीं करने थे। और मैं ये मानता हूं कि इसमें आप 5 में से 5 लेके आ सकते हो, एकदम इजी इजी थे इसमें तो, सिंगल शफल्ड थे, कोई दूसरा, चलो एक में 2-3 थे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को ऐसे लगता है 5 में से 5 नंबर आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखे जाए तो आपके टोटल नंबर जो इंग्लिश में, मैं बताता हूँ एवरेज, मैंने अभी तक वो कुछ भी नहीं लिया है, ना मैंने आरसी को काउंट किया है ना क्लोज टेस्ट को काउंट किया है, बट मैं इसी के हिसाब से बता देता हूँ, आपके 11 से 12 नंबर मिनिमम आने चाहिए। यदि आप नहीं ला रहे हो तो मैं कह रहा हूं अभी भी आपको ऐसे मान लो खूब सारी प्रैक्टिस की नीड है।
और अभी भी वक्त है यदि करना चाहो बैंकिंग के अंदर, क्योंकि सब कुछ फिर धीरे धीरे हार्ड होता जाएगा, आगे मेंस के भी मॉक लगाने होंगे। यदि आप प्रीलिम्स के लिए यदि फोकस नहीं होगे, यदि आप ऐसे सोच रहे हो ओवरऑल कट ऑफ ही तो है, कोई दूसरे स्टेट से भर देंगे, वहां रहना सब कुछ करना बहुत बड़ी दिक्कत होती है। सिर्फ कहना ही आसान होता है कि अदर स्टेट से अप्लाई कर दो और वहां चले जाओ। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि आपको अपने स्टेट के हिसाब से कट ऑफ में तीनों में स्कोर एवरेज, जैसे मैं कहता हूँ इंग्लिश में 18 से 20 नंबर तो आपके ऑन एवरेज आने ही चाहिए, ठीक है। बाकी में यदि आप 30-30 भी लाते हो तो 80 के अप्रोक्स हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टेट की कट ऑफ निकल जाती है, ठीक है। जनरल कैटेगरी से मैं सिर्फ जनरल की बात करता हूँ। तो यहाँ तक का जो अभी तक पूरा मैं दिया है उसके अंदर यही सब चीजें थी। अब अपन आते हैं मैथ की बात करते हैं। मैं आपको मैथ के अभी साथ के साथ में अर्थमेटिक के क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। उससे पहले अपन ये थोड़े ये क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने आप क्वेश्चन कर सकते थे। ये जो पांचों नंबर सीरीज थी ये इजी थी, इसमें से आप एक ही हार्ड मान सकते थे। बट इसमें हार्ड इसलिए नहीं मानता मैं क्योंकि इसके अंदर सीधा सीधा स्क्वेयर बन रहा था, स्क्वेयर एंड क्यूब। ये देखो ये 2804 32 मतलब 4 मतलब 2 का स्क्वेयर, और ये 3205 मतलब 5 माइनस का 27 मतलब 3 का क्यूब। यहाँ सॉरी ये 3 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब तो 4 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ आगे 16 और 5 21 होते हैं, तो ये 4 का स्क्वायर, आगे 5 का क्यूब, ठीक है। आगे 6 का स्क्वायर प्लस में ऐड होना था, 104 में से 36 लेस होनी चाहिए थे, ठीक है। तो 68 आ जाता, तो इसको इजिली कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था इसके अंदर हार्ड भी। अब बात करते हैं अपन, ये पांचों के पांचों आप क्वेश्चन कर सकते थे, मैं भी अर्थमेटिक नहीं ले रहा। ये डीआई एकदम सिंपल था, देख देख के आपको यहाँ से कैलकुलेशन करना था, 5 नंबर यहाँ से लेके आ सकते थे। ये बोर्ड मास है जो 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये और 10 वो नंबर, 20 नंबर मैं अभी तक इनको नहीं छेड़ रहा हूँ, 20 और ये 5 ही 25। अब कुछ कहते हैं कि टेबल का क्या रोल होता है, तो मैं इसी क्वेश्चन में टेबल का रोल बताता हूँ। आप 25 नंबर तो आप इजीली ला सकते थे, चलो मैं ये मानता हूँ 20 से 24 के बीच में भी मार्क्स तो आने चाहिए थे इसमें। यदि इससे नीचे आपके मैथ के मार्क्स है तो आपको अभी बहुत सारी नीड है आपको बेसिक पे वर्क करने की। अभी तक तो बेसिक ही है ये इसमें, क्योंकि अर्थमेटिक है नहीं। अब जैसे देखो ये टोटल कंजप्शन था शुगर का ऑल फैमिलीज में टुगेदर में 600 kg, तो ए का दे रखा था, टेबल आता था 18 6 की 108 होते हैं, मैंने सीधा सीधा कर लेता 10% निकालना है 60, 15 6 की 90 हो गया, ये 25 6 का 150 हो गया, और ये 32 6 का 192 हो गया। तो मैं जल्दी से इसको ऐसे डिवाइड कर लेता इजीली, और उसके बाद में जो जो पूछा है मैं वैसे सॉल्व कर लेता। अब मैं बात करता हूँ अर्थमेटिक पे, अर्थमेटिक करवा देता हूँ इसके साथ साथ में। अर्थमेटिक से पहले चलो एक बार रीजनिंग कर लेते हैं, ताकि अपन लास्ट में फिर अर्थमेटिक एक साथ में कर लेंगे। अब रीजनिंग की बात करता हूँ, चलो मैंने ये सारे क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं रीजनिंग में। एक मेरे को ऐसे मैं ऑन एवरेज बता देता हूँ, जिन्होंने पेपर देखा है ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो उनका मैं लिंक है ना, आप एसबीआई का जो मतलब ओली बोर्ड का जो ओपन करोगे उसके अंदर एसबीआई क्लर्क लिखा होगा, उसमें पहला पेपर ही है, ठीक है। तो ये रीजनिंग एकदम इजी थी, और मैं आपको एक चीज बताता हूँ रीजनिंग के अंदर आप इसके अंदर 28 से 30 मार्क्स स्कोर कर सकते थे इजीली। इससे कम स्कोर आ रहा है तो अभी भी आपको इसके ऊपर वर्क करने की नीड है, ठीक है। रीजनिंग के अंदर एकदम इजी थी, पजल सारा कुछ इजी था इस पेपर के अंदर। तो ये ऐसा था कि जैसे एग्जाम में पेपर आता है ना वैसा पैटर्न था सेम, कि इंग्लिश में भी वैसा आता है, हिंदी में सॉरी इंग्लिश में भी वैसा आता है, सारा कुछ था ठीक है। बट इस पे वही वाली बात है कि सेम मेरे को ऐसा लगा इंग्लिश का पैटर्न भी वैसा था, मैथ का भी सेम ठीक है, और रीजनिंग का भी सेम, मेरे को तो ऑलमोस्ट वैसा ही पैटर्न लगा जो एसबीए क्लर्क का आता है, जैसा पेपर आते हैं। तो ये मुक एकदम सही था पेपर के हिसाब से। अब आपको यहां से ही वर्क करना है। अब मैं आता हूं आपके जो अर्थमेटिक है उनको सॉल्व करवाता हूं मैं, यहां से अपन वापिस जाते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के। तो ये 31 ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को कैसे किया मुझे नहीं पता, नीचे मैं अपने हिसाब से बताऊंगा थोड़ा सा ठीक है। तो देखो लोग स्टार्ट फ्रॉम हिज स्कूल एट स्पीड 40 किलोमीटर एंड टेक्स 15 मिनट मोर टाइम टू रीच हिज कोचिंग, ठीक है। तो कोई 40 किलोमीटर चलता है यहाँ से और वो 15 मिनट अधिक टाइम लेता है पहुंचने के लिए। सेम इसने लिखा ही ट्रेवल 36 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल, मतलब कि पहले तो स्टार्ट करता है कि घर से स्कूल की तरफ से, फिर स्कूल से आता है कि वो रीच टू हिज कोचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 36 और ये है 24 मिनट। तो यहाँ पे अब आपको एक चीज देखने को मिली कि ये है 40 और ये 36, ये जो है ये स्पीड, और टाइम को अपन को निकालना होता है, क्योंकि अब नीचे देखते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हिज कोचिंग, स्कूल और कोचिंग के बीच में बताना था
तो यहां से देखते हैं अपन, तो ये रेशियो बना 10:9, 10:9 हो गया, ठीक है। टाइम में क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, 9:10 कर देते हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है, पर यहाँ पे इन दोनों में कितना टाइम का अधिक का टाइम लगता है, 9 का। तो 1 का रेशियो 9 आ गया, 9 का रेशियो यहाँ आ गया 81, क्योंकि अपन को ये निकालना है स्टार्ट फ्रॉम स्कूल, ठीक है, स्कूल से कोचिंग के लिए निकालना था। 81 है और ये 40 किलोमीटर है, और आर्स निकालने थे तो यहाँ 2/3, 27 × 54, तो ये 54 है। तो एक्स वैक्स से करने की नीड नहीं थी, इस क्वेश्चन को एकदम इजीली कर सकते थे। मेरे को ऐसा लगता है मेरा कोई, मेरे को बताने में आपको एक मिनट लग गया होगा, बट मेरे को ऐसा लगता है 40 या 50 सेकंड में हो गया होगा, ठीक है, मेरे को ऐसा जहां तक लगता है, क्योंकि ये मैंने ये क्वेश्चन जो सारे 35 के 35 किए थे, अभी आपको दिख जाएगा स्कोर कार्ड भी, मैंने 16-17 मिनट में किए थे, अब देखना पड़ेगा टाइम। ये क्वेश्चन एकदम ईजी है, सब कर सकते हैं इसको। पेपर के अंदर आप अपना परफेक्ट क्वेश्चन बना लो उसका, अर्थमेटिक का। ये क्वेश्चन हमेशा प्री के अंदर आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप देखो के एल और इन्होंने दे रखा है एम, ज्वाइन करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2-0 है, यहाँ पे भी 2-0 है, यहाँ पे भी 2-0, तो आपको ये 0 लिखने की नीड नहीं पड़ती, आपको ध्यान रखा करो 128, 160, 120। मैं तो पहले इनमें क्या करता हूँ, बस ये देख लेता हूँ। फिर आपने देखो 8 मंथ के बाद में एम ज्वाइन होता है, और यहाँ पे देख लिया करो कितने ईयर के लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती है, यहाँ पे कई बार 1 ईयर ले लेते हैं खुद से ही, तो 2 ईयर है, तो मतलब एम 8 महीने बाद में आया, तो ये मैम ने 16 के लिए काम किया, इसने 24 के लिए काम किया होगा, इसने भी 24 के लिए काम किया होगा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ वो बता दिया इन्होंने, ठीक है, टोटल प्रॉफिट का इन्होंने बता दिया है। अब अपन निकालते हैं, सीधा सीधा काटते हैं, 8 से 2 पे गया, 3 पे गया, और ये 3 पे गया, ये 4 से काटा, 32 × 128 होता है, टेबल का बहुत यूज होता है, मैं मल्टीप्लाई करने में भी देखो आपको कितना इजी लग रहा है, 3, 3 और यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे 20 हो गया, 40 हो गया, ये 4 से काटा, 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 40, और ये 4 × 5 = 20, ठीक है, 8 × 5 = 23, 23 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 17, 48, 480। अब 23 से काटना है, 23 × 138, 23 × 7 = 161, और 13 × 7 = 60, ठीक है। और निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन के और एम के बीच का शेयर, के और एम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0, 8, 21 और 1 = 2280, ठीक है। तो ये आपके सामने आंसर था, ठीक, तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते थे इजीली। आगे अब देखते हैं क्वेश्चन और कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन एकदम इजी था, इसको तो कहते हैं ना हलवा क्वेश्चन, जिसे कहते हैं कि आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते थे वो, तो इसमें लिख रखा था a+8 = b, मैं सीधा ही बता देता हूं आपको, ठीक है, कि ऐसा था वो। दूसरा उसके बाद में था a+18, ठीक है, +b+10, ये मिलके ही 100 ईयर्स होते हैं। तो यहां से अपन ने पहली इक्वेशन से निकाला a - b = -8, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और निकालना क्या था, फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ ए, मतलब ए और बी का रेशियो 4 साल बाद में निकालना है, +4 बाद में कर लेंगे। और यहाँ पे था a+b हो गया, ये 22 हो गया, 28 हो गया, 28 100 में से 28 गया 72, ठीक है, ये इक्वेशन 2 बन गई। तो हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, सॉरी प्लस माइनस कर देते हैं, ये हो गया, ये बी से बी कट गया, 2a = 64, a = 32, ए 32 आ गया, तो वो 40 ऑटोमेटिकली हो गया, तभी तो 72 होता है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ए की आगे 32 और इसकी आगे 40, 4-4 साल ऐड करने थे, ये 44 और ये 36, ये 9 और 11 रेशियो, ठीक है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, इसके अंदर भी कोई नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो मैं ट्रिक से बता देता हूँ, मेरी ट्रिक से, पर मैं इसको दूसरी ट्रिक से बताता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए। इसके अंदर ए बी एंड सी 3% थे, ठीक है, तो इसके अंदर हुआ क्या था कि सी लेता है, सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 25 डेज, तो मैंने सी को यूज किया एक बार के लिए, क्योंकि इनका रेशियो चाहिए, बट मैंने सी को यूज किया है। उसके बाद में वो कह रहा है बी इज 20% लेस एफिशिएंट देन सी, मतलब सी से 20% लेस एफिशिएंट, मतलब 80/100, ये हो गया 25 × 100 हो गया, 4 × 20, तो मतलब बी आ गया 20 और ये आ गया 25, ठीक है, ये रेशियो में रह गया। अब वो कह रहा है ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, बी से 50% मोर, मतलब 150/100, ये 3 और ये 2, ये 10, मतलब ये 30 आ गया, 30:20:25, ठीक है, ये हो गया 6 पे गया, ये गया 4 पे और ये गया 5 पे, मतलब 5 से डिवाइड करने पे। अब वो बोल क्या रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 × 25 है, ठीक है, इस एफिशिएंसी के साथ 5 × 25, और वो पूछ किसका रहा है, हाउ मेनी ए एंड बी टुगेदर वर्क, ए और बी,
मतलब टुगेदर करेंगे तो 10, 25 पांच 125, 12.5 आ गया। ठीक है, यही आंसर दे रखा है। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, इसको आप देख लेना। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि जल्दी टाइम में ही बता दूं सब कुछ, सारे क्वेश्चन जो मैं करवा सकता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन ही बैक थोड़ा सा ये बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको, हमेशा क्या करना चाहिए, इस बेस को देख लेना चाहिए जिस बेस से पूछते हैं, उसी बेस में कन्वर्ट कर दो 3 की पावर 3 की 2.8, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2 6.4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 3.3। ठीक है, इसको ऐसे करके यहां से आ गया 3 की पावर 8.4 मल्टीप्लाई किया 28 84 होता है ना, इंटू 3 की पावर ये 12.8 क्योंकि 128 होता है, अपॉन में ये 33 चौका 132 होता है, हाँ 33 चौका 132 होता है, तो ये 13.2। अब इसको लेस वेस करोगे तो 8 आंसर आ जाएगा, बस जो भी आएगा उसके बाद में आप इजीली निकाल सकते हो। ये सारे इजी क्वेश्चन थे प्रीवियस, ये कौन सा, हाँ ये देखो इस क्वेश्चन की मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आप हमेशा रट लेना, कोई भी एक आर्टिकल है उस पे प्रॉफिट हो रहा हो एक बार, देन उसी पे लॉस हो रहा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सा फंडा अपनाना है। वो फंडा ये है कि जो भी वैल्यूज दी होगी, जैसे 1560 है इधर, एक 1340 है, लॉस है प्रॉफिट है, दोनों को ऐड करना है डिवाइडेड बाय 2 करना है। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, शॉर्ट ट्रिक है ये इस फॉर्मूले की, कि कोई भी आर्टिकल देखो, ये प्रॉफिट अर्न द प्रॉफिट अर्न बाय आफ्टर सेलिंग आर्टिकल 1560 इन सेम एज द लॉस अकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल 340, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, सीपी निकालना हो, तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है डिवाइडेड बाय 2। ये शॉर्ट ट्रिक है, 15 23 28 हो गया, 28 29 हो गया, 2900 बटा 2 तो ये हो गया 1450। ठीक है, तो ये ऐसे, अब इन्होंने देखो सॉल्यूशन में भी दिखा देता हूँ इन्होंने कैसे कर रखा है, इन्होंने अपना तरीका दिया, लास्ट में एक बार सीपी ऐड किया है, एक बार लेस किया है, ठीक है, इन्होंने अपने हिसाब से किया जैसे भी किया। मिक्सचर एलिगेशन है ये, देखो इसका सीधा सीधा एक क्वेश्चन था ऑयल एंड वाटर का, ऑयल एंड वाटर, ठीक है, 18% है और इसने का बोला था बाद में 4 लीटर मिक्सचर ऐड को करते हैं, ठीक है, प्लस उसके बाद में ये था 15% पे इसने ऐड किया था कितना 5, तो टोटल कितना हो गया ये वाला, ये 4 और 5 9 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 72 और प्लस 75, ठीक है, तो ये हो गया था 147 बाय 9 आ गया था, ठीक है, 147 9% था, तो ये 900 हो गया था क्योंकि यहाँ पे परसेंट था ना, तो ये 100 हो गया था, 900 हो गया, 21 7 147 होता है और 30 × 30 होता है, तो यहाँ से काट देना 3 7 है, ठीक है, तो ये हो गया 49 ratio 300, ये टोटल में था, तो ये लेस करेंगे तो 49 ratio 251 था आंसर आ गया, क्योंकि नीचे यहाँ पे न्यू मिक्सचर के साथ में पूछा था तो उन्होंने बता दिया, ठीक है, इसको आप देख लेना क्वेश्चन वगैरह को, इजीली थे सारे क्वेश्चन, इजी थे, और इसके अंदर कोई मेरे को लगता नहीं और क्वेश्चन होगा। हाँ ये वाला क्वेश्चन था, इसका भी मैं बता देता हूँ, बट देखो हाँ चलो कर ही देते हैं इस क्वेश्चन को भी, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, दिक्कत ये, चलो कोई बात नहीं, ए और बी का दे रखा है इन्होंने, सीधा सीधा निकालना है अपन को, सीधा सीधा सोल्व करो और आंसर आता जाएगा। ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 7, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आई इज इक्वल टू होता है व्यय प्लस बचत, ठीक है, इसको इनकम लिख लो, इसको एक्सपेंडिचर लिख लो, इसको सेविंग लिख लो, या आप फॉर्मूला रट लो, इसी के हिसाब से ये सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप इजिली। अब जैसे देखो इन्होंने दे रखा है कि बी सेव 25 920, मतलब सेव यहाँ पे 25 920 सेव करता है और स्पेंड रिमेनिंग 46% अमाउंट, ये 46 अमाउंट का जो व्यय खर्च करते हैं, तो ये जो अमाउंट हो गया ये हो गया 54%, तो 54% की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे दे रखी है 25 920, और यहाँ से काटोगे तो 9 से काट दोगे तो ये आ गया 9 18 8 72 9 6 ये हो गया 24 48, तो ये आ गई 48,000। जब बी की आय पूरी 48,000 आ गई तो उसके बाद में इन्होंने रेशियो दे रखा है, 8 की वैल्यू है 48,000, 1 की वैल्यू है 6,000, तो इसकी 7 की 42,000, ए की आगे 42,000। अब वो बोल रहा है मंथली सेविंग एक्सपेंडिचर ए आर इन द रेशियो 3:1, तो 42,000 का 1/4 निकालना है, तो ये हो गया 10,500।
ठीक है, मैं अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। मैं आराम से क्वेश्चन जो भी अब आगे अपन करेंगे, जितने भी मॉक होंगे मेंस के, उसमें इजीली आराम से करेंगे। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था 2 साल का, मैं निकाल, सबको आता है निकालना, बस मैं थोड़े बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। कुछ भी निकालना हो ऐसे करके 14% निकालो, जो भी वैल्यू आए, जो भी वैल्यू आए इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, और जो यहाँ पे वैल्यू आए उसका 14% फिर निकाल लो और फिर यहाँ रख दो, मतलब यहाँ बी आ गया एक तरह से, इन तीनों वैल्यू को ऐड कर दो, ये आंसर होता है। एकदम इजी सा वे बता देता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन भी इजी है, ये क्वेश्चन भी इजी है। इस क्वेश्चन में मैं ट्रिक बताने वाला था क्योंकि मैंने इसको इंप्लीमेंट किया, तो रेक्टेंगल दे रखा है एक, ठीक है, ऐसे करके 28 × 22 का ये एरिया है। अब देखो 25 + 3, ये मैंने ट्रिक बता रखी है, 25 - 3, a² - b² क्या होता है, 625 - 9, 616, ठीक है। अब ये 616 जो है वो पाई आर स्क्वेयर है, आर निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से आर सॉल्व करोगे तो आर आ जाएगा 1460। अब मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आप देख लो। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है, इसके अंदर मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं वो आप देखते रहना। वैसे तो मेरे को पता नहीं था, इतना विश्वास नहीं था कि मेरा रैंक वन ही आ जाएगा, इसमें रैंक वन आ चुका है। इंग्लिश मैंने मैंने 28 किए हैं, 28 के 28 सही हैं, ठीक है। रैंक थ्री है, मतलब कि कुछ होंगे जो मुझसे भी ज्यादा होंगे, जिनके सारे सही होंगे, तो अभी भी कमी है कुछ ना कुछ। मैथ अपना देखो, मैंने बताया भी था 17 मिनट समथिंग कर लिया था, तो ये मैथ का वो है। रीजनिंग में मैंने कितने किए हैं, हाँ 34 क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो एक क्वेश्चन मैं हमेशा छोड़ता हूँ, वो मैं कभी नहीं सोल्व कर पाया ना, मैं उस पर ट्राई मारता। मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन, 97 मार्क्स है। और पहले मैं आपको रीजनिंग का वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप चाहो तो आपकी इच्छा होती है उन क्वेश्चंस को करने की, न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी। इसमें आएगा नहीं वो, ऐसे मैं बता देता हूँ वो क्वेश्चन क्या था, कि जैसे कोई अक्ष एलिजिबिलिटी ऐसा कुछ लिखा होता है, तो उसका बोलते हैं ना फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लेके एक वर्ड बनाओ, यदि वर्ड बनता है तो एक्स से डिनोट करो, दो बनते हैं तो वाई से डिनोट करो, नहीं बने तो जेड से। तो ये मैं हमेशा ही इसको अटेम्प्ट नहीं करता क्योंकि मेरे को इस पर थोड़ा डाउट रहता है, कभी भी कोई वर्ड्स बन सकता है, इंग्लिश बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जिन्होंने टेस्ट दिया था उनको मैंने ओवरऑल बता दिया है कि आपके कितने कितने मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना इस मॉक के अंदर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 12 नंबर इंग्लिश में, मैथ में 25 नंबर और 28 नंबर, 53 और ये 65 नंबर है। यदि 65 इस मॉक में नहीं आ रहे हैं तो आपको अभी मेहनत करने की नीड है, यदि इससे ऊपर आ रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अपन नई वीडियो के साथ, जब भी मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी।